No ways. No! काल से पहले वही था. Hey, how's it going everyone? मेरे इस बारी पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे Sky Block के वर्ल्ड में. So guys, आज मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम. जस्ट लुक एट दिस फर्स्ट. जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा है, मेरे पास यहाँ पर अभी भी आर्मर नहीं है. हम लोग आई थिंक बहुत सारे एपिसोड्स यहाँ पर बना चुके हैं, स्टिल आई हैव नो आर्मर विद मी. ओके, और मैंने तुम लोगों को लास्ट एपिसोड में बोला था कि तुम लोग मुझे कुछ चैलेंज दे सकते हो. तो मुझे चैलेंजेस में भी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि तू भाई एक फुल स्टैक ऑफ आर्मर बना. आई मीन नॉट फुल स्टैक ऑफ आर्मर, क्या बोल रहा हूँ मैं, आर्मर बनाना है पूरा का पूरा, वो भी गोल्ड का आर्मर. ओके, बिकॉज यू गाइस ऑलरेडी नो कि मेरे पास यहाँ पर एक गोल्ड का फार्म है एंड आई रियली वॉन्ट माई सेल्फ टू बी कवर्ड इन गोल्ड आर्मर. ओके, तो मैं आज वही चीज करने वाला हूँ. और इसके अलावा मेरे को बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि भाई जो तेरे आसपास के इतने सारे आइलैंड्स हैं इनको एक्सप्लोर भी कर साथ साथ में. तो भाई आज मैं दो आइलैंड को एक्सप्लोर करने भी जाने वाला, तो ये मेरे दो मेन काम होने वाले, ठीक है ना. बट गाइस, मैं तुम लोगों को इस सबसे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ. समथिंग हैपेंड विद मी अर्लियर, सो जस्ट चेक दिस आउट फर्स्ट गाइस. ओ माय गॉड, मेरे छत के ऊपर देखो घर के फैंटम्स. नो 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 नो. ओके, ओ भाई मेरे यहाँ से वो कहाँ गया, एक डर्ट का ब्लॉक. अब रुक जा भाई, रुक जा, ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है. मेरे को मारना पड़ेगा इनको, मुझे मारना पड़ेगा. ये मेरी स्टोन की सॉर्ड है, एक आधी सॉर्ड में और चक्के रखता. ओके, मैं एक्स चक्के रखता हूँ ना, एक्स ज़ारा कारीगर होता है ना. आजा, कम ऑन फैंटम. मैं ऊपर जाने वाला हूँ गाइज, अभी आई एम गोइंग टू फाइट दीज गाइज राइट हेयर. आजा. ओके, कम. यस, एक को तो मैंने शॉट मार ही दिया आखिरकार. ओके, मैं यहाँ छुप भी तो सकता हूँ ना, अपना सर छुपा सकता हूँ मैं यहाँ पे. आजा 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 आजा, तेरी फंस गया ये बंदा. बाय गॉड, और मेरे पास एक फैंटम की मेम्ब्रेन भी आ चुकी है. नो वेज. और मेरा जो घर है ना भाई साहब, इसके अंदर इतने सारे मॉब्स वगैरह स्पॉन हो चुके हैं ना, मेरे को तो डर ही लग रहा है. हो गाइस, तो एक फैंटम की मेम्ब्रेन मेरे पास आ चुकी है स्काई ब्लॉक के अंदर. That's so cool. And I think he's going to die. मेरे पास आजा भाई, तुझे ही मार दूंगा मैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा फिर. तो गाइस, लास्ट वीडियो जहां पर मैंने एंड की थी अपनी स्काई ब्लॉक वर्ल्ड में, जैसे ही मैंने उसको एंड किया, जब यहाँ पे रात हुई थी, तो उसके बाद यहाँ पे सडनली फैंटम्स स्पॉन हो गए थे. आई हैड नो आइडिया कि कितने स्पॉन हुए थे उस टाइम पे, बट मैंने उसी टाइम पे इस गेम को सेव एंड क्विट कर लिया था, ताकि मैं जैसे ही न्यू वीडियो स्टार्ट करूँ रिकॉर्ड करना, तो मैं सबसे पहले फैंटम से लड़ूँ और मैं तुम लोगों को दिखा भी सकूँ. एंड आई गॉट वन फैंटम मेम्ब्रेन. फैंटम मेम्ब्रेन मेरे को मिली है ना, मैं इसको एक बार यहाँ पे रख देना चाहता हूँ, एकदम सेफ. और भाई तुम लोगों को दिख रहा होगा यार, ये जो 1.15 का ग्लिच है ना भाई साहब, इसने मेरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का तो छोड़ा नहीं, साथ ही साथ मेरे स्काई ब्लॉक के वर्ल्ड पे भी गंद पा रही है. मुझे लग रहा है मेरे को अभी सिंगल चेस्ट बनानी पड़ेगी, अदरवाइज ये ऐसी ग्लिच यहाँ पे शो होता रहेगा, है ना, जो कि एक बहुत ही गलत बात है मेरे लिए. तो सच बोलते भाई, मैं थोड़ा सा खाना खाने वाला हूँ यहाँ पे, एंड इनको हम लोग गाइस वापस लगा देंगे. 16 ब्रेड्स, थैंक गॉड. ओके गाइस, और तुम में से यार कई लोगों ने मेरे को एक और चीज बताई थी लास्ट वीडियो में, जो कि थी मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी करी है, जो कि है कहाँ गई वो बेवकूफी मेरी, मैं देखना चाहूंगा एक बार, जो कि ये वाली है ना. मेरे को एक गाजर बड़ी मुश्किल से मिली थी, वो भी मैंने कैरेट को स्टिक पे लगा दिया है ना. मेरे को सबसे पहले इसको फार्म करना चाहिए था, फिर वहां से मेरे को ज्यादा कैरेट्स मिलती, एक को यहाँ लगाता और दूसरे कैरेट से मैं यू नो बहुत बड़ी एक फील्ड बना सकता था कैरेट की, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है. बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. Why I'm saying this? Because ये तो भाई साहब हम लोग इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे एंड ऑफ कोर्स हम लोग और कैरेट निकाल सकते हैं इन लोगों से. पर सबसे पहले ये जो ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर बचे हुए हैं, इनको मारना चाहता हूँ मैं. अपना आर्मर दे दे आर्म. ओ, मेरे को फिर से कैरेट मिल गई है. तुम लोगों के सामने मेरे को अभी अभी कैरेट मिल चुकी है फिर से. मैं तो भाई जब बोल ही रहा था कि मैंने गलती कर दिया है. लुक, ऑलरेडी वी हैव अ कैरेट गाइस. ये आई एम सो लकी एक्चुअली. तुम लोग देख सकते हो, मैंने जस्ट तुम लोगों को बोला ही था, तो अब मैं यहाँ पर कैरेट को फार्म कर सकता हूँ. तो गाइस, सबसे पहले तो भाई मैं एक बार कैलकुलेशन करना चाहता हूँ. एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें ना, कि मेरे को कितने एक्चुअल में गोल्ड के इंगेट्स चाहिए होंगे अपने इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए. ओके, मेरे को एक लैगिंग चाहिए, इसके लिए मेरे को चाहिए होंगे 7, इसके लिए मेरे को चाहिए होंगे 5, 12, 12 और 4 होते 16, 16 और 8 होते हमारे 24. सो 24 की जरूरत है हम लोगों को, है ना, हमें ये भी बनाना है. 27, 29, 32 गोल्डन इंगेट्स बनाने का हमको, बिकॉज हमें आज सब कुछ गोल्ड की एक्स हो चुकी है, स्वॉर्ड हो चुकी है, पिकएक्स हो चुकी है, और पूरा का पूरा आर्मर बनाना है. ये मेरे को आज का चैलेंज मिला हुआ तुम लोगों की तरफ से, बहुत ही टफ चैलेंज है. आई नो टाइम लग जाएगा इसमें, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है टास्क. यस, अगर तुम में से कोई नए बंदे हैं ना, मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है मेरे पास. ओके,
जो इस सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने मेरी लास्ट एपिसोड देखा, उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास क्या है। लुक एट दिस, लुक, ये घास कितना नजदीक है मेरे। रुक जा, अगर इसने मेरे को देखा ना अभी कसम से, ओए तू भाग जाए ऐसे। ओ नो 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 नो, देखियो मत, तू अभी यहाँ पे गन पाना स्टार्ट कर देगा, नहीं तो। अरे जाने यार, ओ मेरे पे यहाँ पर ब्रेड्स पहले की पड़ी हुई थी गाइस। ओके, नहीं, ये बंदा आज यहाँ पे गन पा के रहेगा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। मेरा पोर्टल ना तोड़ दियो, समझा? मैं बोल रहा था कि गाइस आई हैव अ गोल्ड फार्म, ओके, तो मेरे लिए गोल्ड इंगट्स निकालने का टफ नहीं है। ओके, इसे तोड़ ही दिया आखिरकार, सारा सामान अंदर रखो। नाउ आई हैव टू किल माय सेल्फ फर्स्ट, बेवकूफ होने का। ओ नो गाइस, मेरे 26 लेवल्स गए, मैंने 26 लेवल इतनी मुश्किल से निकाले थे लिटरली। इट्स ओके, मैं सबसे पहले गोल्ड निकालने वाला हूँ, फिर उसको मैं सेव कर दूंगा और फिर जाके मैं छलांग मार दूंगा नीचे के लिए। ये बहुत सारे, पर ये यहाँ पर कैसे स्पॉन हुआ, आई हैव नो आइडिया, ये यहाँ पर कैसे स्पॉन हुआ, इसको मेरे को फेंकना पड़ेगा नीचे। ओके, सो गाइस अभी हम लोग एक काम करने वाले हैं, मैं एक पे हमला करूंगा, ये सारे के सारे मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ से नीचे गिर जाएंगे। ये जो बाहर वाले बंदे हैं, ओह माय गॉड, इसके पास एन्चेंटेड वो है, एक स्वॉर्ड है। तू जा नीचे बच्चे, ओए तुम छोटे बच्चे बाहर कैसे आ रहे हो, वो चिकन वाला भी आ गया बाहर। चल भाई नीचे, मर जा भाई, चल नीचे। ओ माय गॉड, बहुत खतरा है यहाँ पे, शर्म नाम की चीज नहीं है तेरे को, है तू ही मर जा। गाइस मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैं अपने साथ पिकैक्स लेकर नहीं आया। नाउ आई कांट इवन किल दिस गाइस। ओके लेट्स गो बैक नाउ, और बैक जाने के लिए मैं एक काम करने वाला हूँ अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सबको सेव कर दूंगा, एंड नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ। मेरे 30 लेवल्स गए यार, बड़ा दुख हो रहा है मेरे को कसम से। एक बो और एरोज भी लेकर रखता हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा लेट्स मेक सम टूल्स फॉर अस फर्स्ट। ओके नाउ लेट्स सी, जो मेरा पोर्टल टूटा हुआ है दूसरी साइड के लिए क्या मैं जा सकता हूँ? यस मैं जा सकता हूँ। बट नो, व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस, ये डबल पोर्टल बन चुका है। ये वाला तो काम का नहीं रहा ना, डबल पोर्टल बन गया है। अबे तूने गंद पाई इससे पहले, बेकार गास्त, तेरे को मैं मारना ही पड़ेगा तेरे को अभी। होए वापस चले गए लोग। ओ माय गॉड, लाखों की तादाद में आ चुके हैं लोग अभी यहाँ पे, पता नहीं कितने सारे आर एन टिकट मिलने वाले मेरे को। मेरे पीछे से कोई मत आना प्लीज। ओके ये मर चुका है, अब मेरे को बहुत ही फास्ट काम करना पड़ेगा। ओके इसको नीचे निकाल के सारा का सारा सामान उठा के लेट्स गो बैक, और इसको यहाँ पर प्लांट कर देंगे वापस। कितने आया भाई, 42 आयरन इंगट्स, नो सॉरी गोल्ड इंगट्स, और एक तो नगेट ही आ चुका पूरा का पूरा, इनको भी स्मेल्ट करके आ जाएगा बहुत सामान। ओके नाउ लेट्स गो बैक, अब थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं इनको और ज्यादा स्पॉन होने के लिए। ओके ये और ज्यादा स्पॉन होंगे यहाँ पे, एंड देन वी कैन किल दिस गाइज अगेन। ओ जस्ट वेट यार, मेरा थोड़ा सामान यहाँ पर पहले का पड़ा हुआ है, जैसे कि ये हो गया है, कबल सोन लेके रखते हैं। अगर ये वाला पोर्टल मेरा टूट गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी गाइज इसके बाद, है ना। सो लेट्स डू वन थिंग, कबल सोन से मैं इस पूरी की जगह को ऐसा कवर कर लेता हूँ कि ये जो गास्त है ना ये मेरे पोर्टल को तोड़ ना पाए। ओके और इस साइड से मैं इसको एक बारी कवर करने वाला हूँ लाइक दिस। अब थोड़ा सा मुश्किल है कि वो गास्त यहाँ से इसको तोड़ पाएगा। ओके वी आर बैक, मुझे आई थिंक 30-32 कितने गोल्ड इंगट्स की जरूरत थी, मैं भूल गया हूँ यार, यानी कि हम लोगों को अराउंड 280 समथिंग गोल्ड नगेट्स की जरूरत है गाइस। ओहो, जो कि बहुत सारे गोल्ड नगेट्स है, चार पहले के थे तो 54 हो चुके हैं हमारे पास, दो ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये सभी के मेरे को स्मेल्ट करने पड़ेंगे सभी के सभी। बट इसके लिए मेरे को चाहिए होगा कोल, एंड फॉर कोल आई नीड सम वुड्स, आई नीड सम स्टिक्स, आई नीड एवरीथिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितने गोल्ड के इंगट्स बनते हैं। ओनली 6-8 बन चुके ऑलरेडी, तो इसको मैं निकाल के एक एक करके इन सभी के सभी को मैं स्मेल्ट भी कर लेता हूँ, राइट। 2-4 गोल्ड के इंगट्स हम लोग यहीं से निकाल देंगे इन तलवारों को स्मेल्ट करके। और मेरे पास पत्थर कितने हैं, ओ पत्थर 1, 2, 3, 4,
4.5 stacks प्लस मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉबलस्टोन के स्लैब्स भी, आई थिंक आज के लिए काफी हो जाएंगे। तो गाइस आज हम लोग कौन से दो आइलैंड्स पे जाने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ अभी। यार वो जो टाई, वो ना मेरे को टाइगर बायोम लग रहा है, वो वाला है ना टाइगर बायोम, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ, पर वो बहुत ज्यादा दूर है, बिकॉज हमें यहाँ से डायगनली जाना पड़ेगा उस तक ना, तो वो बहुत ही ज्यादा दूर है। एंड गाइस मेरे को 3 golden apples मेरे को 3 apples भी मिल चुके हैं, वाओ। तो भाई अगर फ्यूचर में कभी गोल्डन एप्पल्स वगैरह बनाने होंगे तो वो भी हम लोग बना सकते हैं। 11 ऑलरेडी है मेरे पास पड़े हुए, 14 हो चुके हैं मेरे पास। चेक दिस आउट गाइस, वी हैव गॉट 15 गोल्ड नकेट्स सिर्फ उनकी तलवारों को स्मेल्ट कर करके, वाह। ये बहुत ही सही है, कहीं से हमारा एटलीस्ट एक गोल्ड का इंगट तो बन गया ना, वही हमारा काम थोड़ा थोड़ा आसान हो रहा है। ओके मेरे पास और भी बहुत सारी ये स्वॉर्ड्स पड़ी हुई है, इनको भी मैं एक बार स्मेल्ट करने वाला हूँ अभी और इसी वक्त। ओह यह गाइस एक और गोल्ड का इंगट जस्ट बाय स्मेल्टिंग दीज स्वॉर्ड्स, बहुत बढ़िया। एंड नाउ फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू डू कुछ कबर स्टोन्स वगैरह लेंगे, पहले मैं इनके स्लैब्स बनाने वाला हूँ इन कबर स्टोन्स के, और अभी हम लोग जाने वाले गाइस कुछ आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि सबसे पहले तो भाई टाइगर बायोम होने वाले, बहुत ज़्यादा दूर है, मैं इसको बहुत टाइम से लेकर यू नो काइंड ऑफ इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा दूर है एक्चुअल में। तो यहीं से हम लोग एक डायगनल शेप यू नो एक ब्रिज टाइप बनाने वाले वहाँ तक के लिए, एंड वहाँ पर पहुँच कर देखते हैं हमें क्या मिल सकता है। एंड गाइस हम लोग बहुत नज़दीक है, ये टाइगर बायोम ही है, एंड आई थिंक यहाँ पर सब कुछ ना कुछ तो दिख रहा है मेरे को, पता नहीं क्या है वो, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कबर स्टोन से कम पड़ चुका है, मेरे को भगना पड़ेगा यहाँ से एक बार। जस्ट चेक आउट माय हाउस मैन, वाओ इट्स लुकिंग ऑसम। धीरे धीरे करके हम लोग अपने इस वर्ल्ड को बहुत सुंदर बना रहे हैं। लेट्स ग्रैब सम कबर स्टोन, मेरे को लग रहा है पता नहीं क्यों आज कबर स्टोन कम पड़ सकते हैं ये मेरे पास, देयर इज अ चांस कि ये कम पड़ सकते हैं। ओके ओ 2 stacks से ज्यादा मेरे पास ये आ चुका। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू वन थिंग यहाँ पर हमारे पास 25 डर्ट के मेरे पास ये है ना, एक्चुअली आई नीड मोर डर्ट राइट नाउ। तो हम लोग अपना डर्ट ब्लॉक्स को डबल करने वाला तरीका करने वाले, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको यू नो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बिकॉज एंडरमैन ने भाई इतनी गंद पा के रखी हुई है ना कसम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे यहाँ पे तो देखते हैं टोटल हमारे पास कर्स डर्ट बनने वाली है 32, तो दिस मीन्स गाइस वी कैन मेक 32 डर्ट ब्लॉक्स नाउ। Alright guys, total 55 dirt blocks मैं बना चुका हूँ, and actually you know what, मेरे को 55 की ज़रूरत नहीं है, I think 27, 28, 29, 30 लेके जाने वाला अपने साथ में। एंड भाई गॉड मैं भी एक चीज़ सोच रहा हूँ कि भाई मैं बस गिरूँ ना, अगर मैं गिर गया ना वहाँ पहुँचते अभी मेरे स्लैब्स तो जाएंगे मेरे dirt block भी जाएगा, बहुत ही बड़ा नुकसान होगा मेरे लिए। Oh yes, We are here. ये हमारा टाइगा ही है भाई, ये पेड़ से लग गया मेरे को पता, टाइगा बायो भाई हमारा नहीं, ये हमारा सवाना है। ओके हाँ भाई ये वाला पेड़ ही वो सवाने वाला ना, टाइगा बायोम कौन सा हमारा, आई थिंक हमारे पास यहाँ पे टाइगा बायोम है भी कि नहीं है, आई डोंट नो मैन। बट सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाला हूँ, तो भैया मेरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे तैयार हो चुका है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले ऊपर जाएंगे एक बार, यहाँ से ये नीचे वाले डर्ट ब्लॉक मैं अभी तोड़ने वाला हूँ, ठीक है ना, अभी मेरे को थोड़ा सा काम था इनसे, तो इसको मैं नीचे वाले पे लगाऊंगा, इसको भी मैं यहाँ पे नीचे वाले पे लगाऊंगा। ओके बहुत सारे बॉर्डर हम इसको नीचे वाले पे लगाए, एंड यस गाइस वी हैव गॉट अ फ्लावर, कौन सा फ्लावर है वाला, पॉपी, वाओ बहुत ही सही है भाई वाला पॉपी वाला। मैं अपने साथ गाइस यहाँ पे वो नहीं लेके आया हूँ, क्या बोलते हैं इसको, टॉर्च, राइट, गड़बड़ हो चुके भाई, फटाफट मैं एक बारी वाले लॉक तोड़ने वाला, कौन सा लॉक है, एसेसिया लॉक तो नहीं है, एसेसिया लॉक, यस यस एसेसिया लॉक है, फटाफट इसको तोड़ देते हैं गाइस, बिकॉज हमें यहाँ से इसकी सैपलिंग चाहिए इस पेड़ की। एंड भाई साहब मैं क्या करूँ यार, तभी मैं गाइस यहाँ पे अपने लिए डर्ट लेकर आया हूँ, बिकॉज मैं इस आइलैंड को ना थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहता हूँ आगे के लिए। व्हाई, बिकॉज व्हाट द हेल वाज दैट, कुछ छूटा यहाँ से नीचे, यहाँ से एक वो छूटी है ना, मुझे लगा नीचे गिर गई है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो फिर मेरे पास। Oh yes, Acacia sapling guys. Now हम लोग अपने जंगल को बड़ा बना सकते हैं और अलग अलग पेड़ लगा सकते हैं। Now we have 3 kinds of पेड़, okay? So इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे ना आगे के लिए, because see guys, अभी मुझे फिलहाल को नहीं पता है कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारा सवाना एरिया है, यहाँ पर किस टाइप के एनिमल्स स्पॉन होते हैं, बिकॉज अगर किसी भी टाइप के एनिमल्स यहाँ पे स्पॉन होते होंगे ना, तो अगर ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली ये वाले एनिमल्स यहाँ पे स्पॉन करेंगे, और अगर ये वाले एनिमल्स यहाँ पे स्पॉन करेंगे तुम्हारे पास एक न्यू ब्रीड आ जाएगी यहाँ पे एनिमल्स की, राइट। फिलहाल को ओए कुछ तो छूटा नीचे यार, बाई गॉड गाइस कुछ तो छूटा नीचे अभी मैंने देखा, आई थिंक वो, ओ नो वेट अ सेकंड। ओके यहाँ से और छूट सकती है, अभी जस्ट मेरे मुख सामने वो जो चीज छूटी ना गाइस, वो थी एक सैपलिंग,
yes, sapling गई नहीं, please. एक सैपलिंग पहले छूट गई थी और एक सैपलिंग अभी छूट चुकी है. ग्रेट मैन, ग्रेट. ओह माय गॉड, बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार. मेरा एक सैपलिंग गया. नो मैन, मैंने उस एक सैपलिंग को बचाने के चक्कर में एक और सैपलिंग गवा दिया अपना. इसीलिए गाइस मैं हमेशा अपने साथ ना आईंदा से एक चीज करने वाला हूँ, कोई भी आइलैंड को एक्सप्लोर करने जाऊंगा ना, एक चेस्ट लेकर रहूंगा अपने पास. सारा काम का सामान चेस्ट के अंदर रख दिया. ओके, फिर मर भी गए ना अगर, तो सामान तो सेफ रहता कम से कम. अभी भी बहुत बड़ा पेड़ बचा हुआ है ऊपर गाइस. अभी भी मेरे को उम्मीद है कि एक सैपलिंग ये दे सकता है मेरे को. एग्जैक्टली मैं यहाँ पर बैठने वाला अभी. प्लीज एक सैपलिंग दे दे, प्लीज एक सैपलिंग दे दे. कम ऑन, प्लीज 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 प्लीज. ओनली 4 लेफ्ट गाइस, प्लीज. ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस गाइस, वी हैव गॉट अ सैपलिंग, थैंक गॉड. अब तुम दोनों चाहे डिस्पावर हो जाओ, कोई सीन नहीं. अगर तो तुम दोनों में से एक और सैपलिंग मिल गई ना मेरे को, मैं दुनिया का सबसे लकी बंदा होने वाला हूँ. और भाई मैं निकलने वाला हूँ भाड़ में जाए अब. ओके, बिल्कुल सेफली, हमें बिल्कुल सेफली यहाँ से आगे तक पहुँचना है. इस सैपलिंग को बिल्कुल सेफली मेरे को पहुँचाना है घर तक. अब हम लोग एक चीज़ करेंगे, सबसे पहले मैं इस सैपलिंग को उगा ही दूंगा, इसको मैं सेफ नहीं रखने वाला हूँ. तो अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं इसके लिए एक अलग से जंगल बना सकता हूँ, असेसिया का जंगल अलग, ओक का जंगल अलग, राइट. मैं डर्ट और ये सैपलिंग अभी वापस रख देने वाला हूँ, बिकॉज राइट नाउ हम लोग थोड़ा सा एक्सपैंड करने वाले हैं इस असेसिया लॉक को लगाने के लिए. दैट्स इट, हम इसको यहाँ पर उगाने वाले हैं, यहाँ पे. ओके, इसके लिए स्पेस चाहिए होता है, इसको मैंने यहाँ पे उगा दिया. दैट्स इट, नाउ आई एम टेंशन फ्री. सीरियसली यहाँ पर बहुत बड़ा उग सकता है. अब मैं फटाफट सो जाता हूँ और एक और बार हम लोग नेदर के अंदर जाने वाले अब. ओ माय गॉड, बहुत सारे आ चुके हैं. अरे यार ये तुम लोग यहाँ पे स्पॉन क्यों करते हो, मेरे को गुस्सा आता है. तुम लोग यहाँ पे स्पॉन क्यों करते हो यार, यहाँ स्पॉन नहीं होना तुम लोगों को. अबे हट यहाँ से, चल नीचे. गन पा रहा कब से लेकर. एंड वी कैन किल दिस गाइस लाइक दिस. बच्चों इस बार मुझे एटलीस्ट 8 आ रहे निकट बनाने हैं, ठीक है ना. 8 नहीं, 8 नहीं, 10 बनाने मेरे को और भी. ओके, अब मेरे को फटाफट भाग के जाना, फटाफट भाग के जाना. यस 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 यस, आई कैन डू दिस. और ये जो बंदा है ना, बड़ा भारी हीरो बना हुआ, निकल यहाँ से नीचे तू. तेरी ऐसी की तैसी. हाउ मच 29, only 29. नहीं, 29 बहुत कम है भाई. सो गाइज वी हैव टू गो बैक अगेन. एक बार फिर से स्पॉन होंगे यहाँ पे, फिर हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे इनका फिर से, ठीक है ना. अभी हम लोग वापस भगते हैं ऐसे. तो जो ये वाला चैलेंजेस आर टफ नहीं है. ओके, मुझे पता है स्टेप्स क्या क्या है, लेकिन बस ये टाइम ले रहे हैं बहुत ज्यादा बनने के लिए. सो नाउ वी हैव टोटल 14 विद अस, 14 गोल्ड इंगट्स. ओके, तो ये मेरी पिकैक्स वगैरह आ चुकी है. अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला. मैं जो ये मेरा ये मॉब ग्राइंडर है ना, मैं इसको बेसिकली मॉब ग्राइंडर की जगह का इस मॉब एक्सपी फार्म बनाना चाहता हूँ. तो एक्सपी फार्म बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके हेड को एटलीस्ट 2 या 3 ब्लॉक्स ऊपर चखना पड़ेगा. बिकॉज ये लोग डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिर के मर रहे हैं. मैं चाहता हूँ कि मरे नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे भी एक्सपी गेन कर पाऊँ. तो अभी हम लोग वही करने वाले हैं. ओए, तूने मारा कैसे मेरे को भाई, तूने मारा कैसे मेरे को, मारा कैसे. ओ माय गॉड, अबे छोटे तू मार रहा है, तेरी ये मेरे को मार पो देगा छोटा, पता तुम लोगों को. ओ माय गॉड, मुझे लगा मार देगा मेरे को, ऑलमोस्ट मार देता था मेरे को. भैया जितना स्पीड से मैं कर सकता हूँ ना, मेरे को उतना ही स्पीड से करना पड़ेगा. ये मैं क्या करता हूँ, फटाफट मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ अभी. ओए नहीं नहीं, मुझे लगा क्रीपर खड़ा हो गया. अबे मकड़ी हटिया से. ओए हमला क्यों कर रही है मकड़ी, दिन दिहाड़े मकड़ी हमला थोड़ी करती है भाई. फटाफट हाइट बढ़ाओ, एक एक स्टेप हाइट बढ़ाओ इसकी, फटाफट. ओ माय गॉड, अब ओ नहीं, फटियो मत. ये क्रीपर देखो तुम लोग यार, अगर ये क्रीपर फट जाता ना भाई गॉड, अभी यार बड़ी गड़बड़ जानती मेरे साथ. इसको मारना पड़ेगा, इस क्रीपर को मारना ही पड़ेगा भाई. यस थैंक यू मरने के लिए क्रीपर भाई, कुछ ज्यादा स्पॉन नहीं हो रहे हो. ओ माय गॉड, और सबसे बड़ी बात है गाइस, देखो मैंने एक स्टेप इसको खड़ा कर दिया है और अभी ये लोग यहाँ से मर नहीं रहे हैं एक्चुअल. ओ भाई इतना सारा एक्सपी कहाँ से आ रहा है. मैं चाहता हूँ कि मेरे को देखे नहीं, ठीक है. मैं एक सेकंड रुको, तुम लोग मेरे को स्लैब्स बनाने पड़ेंगे. ये क्रीपर्स मेरे को देख लेंगे ना तो ये मेरे पे हमले स्टार्ट कर सकते हैं, तो उससे मेरे को बचना ही पड़ेगा. अभी हमारा मॉब ग्राइंडर की जगह गाइस मॉब स्पॉनर बन चुका है, राइट. ओके. नहीं रे, भागो. साइड हो जा. ओ माय गॉड, नो, ओ छोटा विलेज वाला. ओके, वहां पर क्रीपर है गाइस, वहां पर क्रीपर है. इससे मेरे को बचना पड़ेगा क्रीपर से. ओके, मैं चाहता नहीं हूँ कि क्रीपर अरे आ जाए. मैं क्या गड़बड़ कर लेता हूँ, मैं हमेशा गड़बड़ कैसे कर लेता हूँ भाई. मेरे अंदर इतनी गड़बड़ करने की एक्यूरेसी कहाँ से आई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है. अबे सारे नाच रहे हैं वहां पे.
तुम लोग वहाँ पे नाच रहे हो गद्दे। तू नीचे जा यहाँ से यार, तू नीचे जा, चल नीचे। बेवकूफ कहीं का, मेरा धनुष बाण दो मेरे को यार, अब इनको धनुष बाण से मारना पड़ेगा। यस, इतना फॉल डैमेज तो ले चुका कि एक एक शॉट में मर सकते हैं। देखो यहाँ से है ना, एक एक शॉट में मर जाएंगे लोग। वहाँ पर एक क्रीपर्स है, ये गन पा रहे हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कोई सीन नहीं है। ठीक है, इनको मारना पड़ेगा दूर से और फटाफट ये दीवार मेरे को बंद करनी पड़ेगी। डाय क्रीपर। ओके। ओ भाई साहब, देखा ही नहीं मैंने इसको, मैंने इसको नहीं देखा अभी, लिटरली मैंने इसको नहीं। कम ऑन, इसने मेरे को मार दिया। रे भागो फिर से, मेरे को सारा सामान लाना पड़ेगा अपना वहां से। तेरे को क्या हो गया भाई, अपने आप ही मर गया यहाँ पे। यू नो व्हाट, मेरे को एक पिकैक्स बनाने की जरूरत भी है अभी। चल बेटा निकल यहाँ से, आर्मर पे। ओ वहाँ पर क्रीपर घुसा अभी एक, दिखा मेरे को क्रीपर, मर जा। क्रीपर को हेडशॉट लग सकता है क्या? ओ यस, इट वाज अ परफेक्ट हेडशॉट गाइस। वेयर इज माय कबलस्टोन। ओके, वहाँ पर क्रीपर है बैक साइड में। तू सच पर तो भाई तू ही मर जा, मर जा। ओ माय गॉड, ये बहुत ही भाई, ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके गाइस अभी। दिस इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, लिटरली गाइस, दिस इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और मैंने अभी अभी एक एंडरमैन को मारा है गलती से लगा भाई तेरे को, समझा? मैं तेरे को मार थोड़ी रहा था, बीच में तोते की तरह खड़ा हो जाएगा तो लगेगा नहीं शॉट तेरे को एक, मर जा। एंडर पर्ल भी दे दे, ठीक है, इनको मारना पड़ेगा। कम ऑन, सिर्फ थोड़े बाद पत्थर लगाना है मेरे को, दैट्स इट। नहीं रे, मेरे साइड आएगा, आजा। ओके, फटाफट चल, एक इसको तू लगाई दे ऑलरेडी। ओके, इसको भी लगाई दे ऑलरेडी। वहाँ पर एक क्रीपर दिख चुका है जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लिटरली ये बंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था अभी, मैंने देखा इसको। मैं फटाफट इस जगह को एक बार बंद करना चाहता हूँ। ओके, ओ माय गॉड, और निकल चुके हैं ये लोग। होली क्रैप, ओ माय गॉड, हेडशॉट टू द क्रीपर। नो वेज, नो, काल से पहले वही था, फटेगा मुंह के सामने, नहीं बच गया। ओ माय गॉड, तुम लोगों ने देखा मैंने क्या किया अभी। क्रीपर के फटने से पहले मैंने क्रीपर की फाड़ दी, बिकॉज अगर क्रीपर वहां पर फट गया होता ना अभी गाइस, तो उसने पता क्या कर देना था, सब कुछ बिखेर देना था लिटरली। हो माय गॉड, पर वहां पर एक और गड़बड़ होगी यार, मेरा सारा का सारा सामान गिर गया वहां पे। इसकी तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा ना क्रीपर की। फटाफट चल सामान उठा दे, भाग जा, जल्दी छड भाई, मकड़ी छड मेरे को। ओहो भाई, मेरे को ना चार या पांच क्रीपर दिख चुके, चार या पांच तो क्रीपर दिख ही चुके हैं मेरे को। डू आई हैव सम फूड? आई डोंट हैव एनी फूड। रोटन फ्लैश ही खाना पड़ेगा, क्या बोल सकते गाइस। आई एम आउट ऑफ हैरोस, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी है ये। ऐसा करो भाई जी, दो चार पिकेक्स बना के रखते हैं, ठीक है ना, बाकी का सारा सामान ऊपर घुसेड़ देते हैं। ज़ॉम्बी नहीं मार दिया मेरे को यार। तो गाइस अभी सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि मैं अपना जो मेन टास्क है ना वो मैं भूल चुका हूँ। मैं अभी फटाफट अभी नेदर के अंदर जाने वाला हूँ, मैं और अभी गोल्ड निकालने वाला हूँ वहां से। What was that? छोटे ने मार दिया मेरे को। छोटे ने, इसकी तुम्हें ऐसी बैंड बजाऊंगा ना छोटे की, ना कसम से। सामान है थोड़ा मेरे यहाँ पे। आई हेट छोटे पिगमैन, सीरियसली मेरे को छोटे वाले पिगमैन से भी नफरत हो चुकी है अब तो। बिल्कुल नफरत। कितना माल मिला है हमको गाइस अभी, इंगेट भी मिल चुका है, 27 मिल चुका है। ठीक है। अब मेरे को एक और स्टैक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, लेट्स गो बैक। ओ वहाँ पर ना लिटरली अभी सिर्फ एक ही है वहाँ पर अभी है। मेरे पास यहाँ पे ये नहीं है मेरे पास ना, सीरियसली, वरना मैं इसको ऐसे ही पेलता दूर से ही। पत्थर भी नहीं है मेरे पास, सबसे बड़ी बात तो ये है। ओके, मैं अभी यहाँ पर फटाफट पहले गाइस थोड़े बात एक कबल स्टोन माइन करने वाला हूँ। तो भाई अभी जो मेरा प्लान है गाइस, वो पता क्या है, वो एक सिंपल सा प्लान है। ये जो वहाँ पर क्रीपर है ना, एक क्रीपर जो मेरे को दिखा था अभी, ओके, वो भी डिस्पॉन हो चुका है यार। अब तू गन्ना भाई हो प्लीज यार, तू साइड हो जा। ओ माय गॉड, एक और बदसूरत क्रीपर आ चुका है गाइस, इसको ना मेरे को खींच के अपने साइड लेकर आना। आ जा क्रीपर, शाबा, यहाँ पर फट जा। ओए फटा के तो मरी गया,
फटाफट फटाफट फटाफट, मेरे पास टाइम है शायद से। नोवेस यहाँ फटियो मत, फटियो मत भाई। अबे यार एक तो लाखों की तरह में आते पता नहीं कहाँ से एक साथ ही, इतने सारे क्यों आते हो एक साथ तुम? ये अरे नहीं आ सकते, ये जल जाते हैं। थैंक यू, आजा 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 मेरे पीछे आजा। शाबाश शाबाश, एक शॉट खा ले, एक शॉट खा ले, ठीक है। भागो 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 भागो, फटेगा फटेगा फटेगा, फट गया फिर से भाई। अभी मेरे पास टाइम है, नहीं फटियो नहीं फटियो मत, फटियो मत, थैंक यू। फटेगा फिर से नहीं यार, प्लीज यार फटियो मत, फटियो मत। बस गाइस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया उसको बंद करने के लिए। नहीं थोड़ा सा रह गया, बस दो चार कवर से और लगाऊंगा ना तो पूरी की पूरी जगह मेरी बंद हो जाएगी, दैट्स इट। अब मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, सबसे पहले पहले मैं खाना बनाने वाला अपने लिए। जो गलत गड़बड़ यहाँ पर हुई है वो सारी मेरी गलती है। अच्छा खासा मॉब ग्राइंडर काम कर रहा है, इसको मॉब स्पॉनर बनाने की क्या जरूरत है एक्सपी फार्म की? एक्सपी तो मैं नेदर में जाके भी चख सकता हूँ ना। ओके 11 ब्रेड आई है, एंड यू नो व्हाट, आधी ब्रेड हम लोग अंदर रख देंगे, 5 ब्रेड काफ़ी है फिलहाल के लिए। इसको मैं चुपचाप से मारने वाला हूँ इस क्रीपर को। चुपचाप से मार दिया ना बच्चे, ऐसा होता है। ओए भाई रुक जा भाई रुक जा, इसकी मेरे यार मेरे कबल स्टोन्स नहीं जाने चाहिए गाइस, मेरे कबल स्टोन्स गए यार। अभी गाइस मेरा टोटल जो फोकस है ना वो सिर्फ एक ही जगह पर है, वो है उस पीछे वाली जगह को कैसे भी करके बंद करना। जो बैक साइड में जगह है ना उसको बंद करना ही करना है। होफ देखो मैं कितनी बार मरा हूं यार, बाय गॉड बड़ा झंझट हो चुका है आज का तो। ओए तूने फिर से मेरा निकाल दिया, तेरी 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 क्या यार, काई को तो मैंने इसको मारने की कोशिश करी, इसको ही मैंने। Where are my cobblestones? अरे यार मेरे कबलस्टोन फिर से गए, मेरे कबलस्टोन फिर से गए गाइस, मेरे कबलस्टोन फिर से गए। इसने मेरे कबलस्टोन भी नीचे गिरा दिया बेवकूफ ने। हैं मेरे को अभी ग्रास ब्लॉक वापस चाहिए कुछ भी हो जाए। अभी नहीं मानने वाला मैं भाई, अभी मैं मानने नहीं वाला हूँ समझा। ग्रास ब्लॉक भी मिला, एक एंडर पर्ल भी मिली, ठीक है। इस ग्रास ब्लॉक को मैं रख देता हूँ यार, काम आएगा ग्रास ब्लॉक मेरे। एंड यू नो व्हाट गाइस, अभी यहाँ पर कोई भी स्पॉन नहीं हुआ है, अभी मैं फटाफट बंद कर सकता हूँ इस जगह को, फटाफट बंद कर सकता हूँ। यस फाइनली, नहीं यार वापस छेदता मैं फिर से नीचे गिर गया, लेकिन एटलीस्ट मैंने सभी को मार दिया, मैंने उस जगह को बंद कर दिया। गाइस द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ इन स्काई ब्लॉक, आज मैं जो करने की सोच रहा हूँ वो हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया यार। ऐसा कभी होता नहीं है, नॉर्मली नहीं होता यार ऐसा। अभी वो छेद मेरे को फिर से नहीं दिखा यार, फटाफट चलो बड़े भारी हीरो बन रहे थे इससे पहले। अब बोल कुछ है क्रीपर, अब बोल कुछ, अब बोल, बोल सकता है कुछ क्या? ओके अभी भी हमले कर रहा है मेरे पे ये बंदा। एंड लुक एट दिस गाइस, ऑलरेडी वी हैव गॉट 1 कैरेट विद अस। ओ यस स्मार्टी पाई हैज मेड एन एडवांस मैन। सो गाइस ये हमारा बन चुका है यहाँ पर मॉब, तुम लोग बोल सकते हो स्पॉनर फिर से, जहाँ से हम लोग एक्सपी भी गेन कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग लिटरली सब कुछ ले सकते हैं। ओके तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास कैरेट भी इस वक्त आ चुके हैं फिर से, दैट्स काइंड ऑफ कूल। सो गाइस ये वाला काम मेरा खत्म हो चुका भाई, अब मैं यहाँ पर ऐसे झंझट बार बार नहीं करने वाला हूँ, जो मैंने अभी किया मैं ये नहीं करने वाला हूँ। तो तुम्हारे जान के रिश्ते भी ज़्यादा खतरनाक है, सीरियसली बता रहा हूँ। अब मैं फटाफट अपना आज का जो टास्क है वो कम्प्लीट करने वाला हूँ, मैं बहुत परेशान होगा नहीं तो। वी हैव गॉट 18, ओके ओके लेट्स किल देम विद देयर ओन शॉट्स। ओ माय गॉड व्हाट, वाओ 21 गुड। ओए तू क्या कर रहा है सिंपल ज़ॉम्बी, बेकार तू यहाँ पे स्पॉन क्या कर रहा है, तू यहाँ पे कैसे स्पॉन हुआ भाई? ओ मैं समझ गया, मुझे थोड़ा दूर खड़ा रहना पड़ता है, अगर मैं यहाँ से 23 से 24 ब्लॉक्स दूर खड़ा रहूंगा ना लोगों से तो ये ज्यादा स्पॉन होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ। सो नाउ लुक एट दिस गाइस, ये लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा पे स्पॉन हो रहे हैं, ऊपर तुम लोग देख सकते हो। मैं बेवकूफ, मैं इतनी देर से लेके सामने खड़ा था यार, मुझे यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था। अभी तक 31 की जगह पे मैं पता नहीं कितने चक चुका होता इनसे। तू कहाँ से है भाई, हैं हैं शर्म नाम की चीज नहीं। ओह माय गॉड ऑलमोस्ट मरने वाला हूँ मैं भी ऑलमोस्ट मरने वाला हूँ। अभी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अभी यहाँ पर लिटरली कुछ भी हो सकता है, और मैंने यहाँ पे जगह ही नहीं छोड़ी भाई अपने लिए जाने के लिए यार, हद है। यहाँ पे मेरे को ये सारे के सारे सेफ रखने पड़ेंगे। अभी हम लोग आगे जाएंगे खाना खा के। ओ अबे तू कहाँ से है भाई, मैं मेलन स्लाइस ही खाने वाला वार्ड में जाए। ओके तो मैं भी यहाँ पर अपने लिए बनाने वाला कुछ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्वॉर्ड, अभी मेरे पास है ही नहीं है। बच्चे आ जा आ जा,
तेरी मैं वैसी तैसी करूँ अभी। No ways! इसने मुझे मार दिया। कहाँ है अभी? ऊपर गया है शायद से। बाहर अबे। पीछे होके बताना। छोटे वाले आ गए यार। छोटे वाले ने मार दिया फिर से मेरे को गाइस। यस ठीक है ना। वेस्ट माय स्वॉर्ड ब्रो, वेस्ट माय स्वॉर्ड। भागो 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 वापस भागो भागो वापस भागो। मेरे पर गास्त का हमला हो चुका है। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो ना अगर तो। ओ मेरे पास थे भाई, मेरे पास कवर सोंस थे। वाह कितना होशियार हूँ मैं। सो गाइस तुम लोग देख सकते हो ना आज का दिन मेरा एक्चुअल में बहुत ही वाहियात जा रहा है। एक्चुअल में बहुत ही वाहियात जा रहा है। मुझे नहीं पता कि अब मैं कितने मिनट की वीडियो बनाने वाला हूँ, बट 2 घंटे से ऊपर की रिकॉर्डिंग बहुत पहले हो चुकी थी। मारो 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 सारे मारो, जल्दी जल्दी मारो, फटाफट जा सारा सामान इकट्ठा कर, सारा सामान इकट्ठा कर फटाफट फटाफट फटाफट। कमान 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 कमान। और कहाँ है मेरा स्लैब, मेरा स्लैब कहाँ है? लग जा भाई मेरा स्लैब है 3, 40 और 3। भाई बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही बेस्ट है भाई ये तो। लेट्स गो बैक, सारा सामान सेफ रख देते हैं। ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो चुका है मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा। तो वैसे मैंने प्लान किया था कि आज मैं 2 आइलैंड्स पे जाऊंगा, बट भाई मैं नहीं जा सकता 2 आइलैंड्स पे गाइस, मैं नहीं जा पाऊंगा 2 आइलैंड्स पे। लेट्स सी कितने बनते हैं, 7 और बन चुके हैं, बहुत बढ़िया। एंड यू नो व्हाट, अगर मैं एक को यहाँ पे रख के स्टिक रख दूंगा ना तो मैं एक और बना सकता हूँ। 28, बस 4 या 5 और चाहिए मेरे को, लिटरली 4 या 5 और सिर्फ। एंड एक और यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ गाइस, सिर्फ और सिर्फ 4 और चाहिए, 4। अगर मैं गाइस यहाँ पर बैठ के AFK करता हूँ, बहुत ही जल्दी जल्दी स्पॉन होते हैं। मुझे अभी 9 चौके 36 से ज्यादा आयरन एगेट चाहिए। गाइस अभी मैं 2 चीजें कर सकता हूँ। मेरे पास वैसे बहुत सारी शॉर्ट्स पड़ी हुई है ना। मैं ओके एक तो आयरन इंगेट ही आ चुका है, हो गया मेरा काम। लेट्स गो बैक। यहाँ पे कुछ रखा हुआ है मैंने नहीं। ओ मेरे पास कितने सारे एरोज यहाँ रखे हुए हैं मैंने फालतू में। ओके डोंट डाई ब्रो प्लीज। ओ मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा। जस्ट लुक एट दिस गाइस, आधा दिल बचा हुआ था मेरा। बच गया मैं पता नहीं कैसे। अभी मेरा खाना कहाँ है? इससे पहले मैं कुछ ने मारा था ना बच्चे ने। यार मेरे सारे ब्रेड गए, मेरा सब कुछ गया यार कसम से। ओके गाइस सो नाउ वी हैव 33 गोल्ड इंगेट्स विद अस। ओके तो सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं ये। ओके फिर हम बनाएंगे ये, फिर हम बनाएंगे ये, फिर हम बनाएंगे ये। बन चुका है हमारा पूरा का पूरा आर्मर। एंड अभी हम बनाएंगे अपने लिए गोल्डन पिक। ओ वॉच ओके मेरे पास इसके लिए वो नहीं है ना। ओके गाइस तो अभी हम लोग अपने लिए क्या बनाने वाले हैं मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अभी ये ना बोलना मेरे पास यहाँ पे स्टिक्स की कमी हो रही है। यस मेरे पास स्टिक्स की कमी हो रही है एक्चुअल में। मैंने यहाँ भी रखी थी कुछ स्टिक्स, ये इतने काफ़ी है। बहुत सारे बनाएंगे हम लोग स्टिक्स। नाउ वी कैन कंटिन्यू। एक गोल्डन पिकैक्स, एक गोल्डन शवल, एक स्वॉर्ड जो मैं अभी बनाने वाला हूँ, एंड इसके अलावा एक एक्स चाहिए थी। दैट्स इट। सो गाइस फाइनली माय टास्क इज ओवर। अभी जो मैंने इतनी मेहनत करी है ना, मैं सारा का सारा सामान सिर्फ यही रखने वाला हूँ मेरे पास। जस्ट चेक दिस आउट गाइस, पूरा का पूरा गोल्डन का आर्मर बन चुका है मेरा। सारे के सारे मेरे गोल्ड के टूल्स बन चुके हैं। एंड दैट्स इट गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पर रैप करने वाला हूँ। बहुत ही बड़ी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग। मेरा दिमाग खराब हो चुका है। इट वॉज द वर्स्ट डे एवर इन स्काई ब्लॉक। सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ इस XP फार्म की वजह से। ठीक है यहाँ से स्टार्ट हो मेरा दिमाग खराब होना। एंड मैं जाने से पहले अपने जानवरों से मिल के जाना चाहता हूँ एक बार। हाय माय जानवर्स, मैं तुम लोगों से इस एपिसोड में मिला ही नहीं यार, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है अभी मेरा जो नेक्स्ट चैलेंज होगा ना गाइस, वो मैंने ऑलरेडी सोच के रखा हुआ है कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर तुम में से मुझे किसी से कोई बढ़िया चैलेंज मिल जाता ना तो अलग बात है, वरना मैं उस चैलेंज को कंप्लीट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। इतने सारे एफर्ट्स लगाने के लिए गाइस एटलीस्ट इस वीडियो को 15,000 लाइक्स तक तुम लोग पहुंचा सकते हो, आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड गाइस मैं तुम लोगों से मिलता हूं ऐसे ही धांसू नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय।